अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी मक्खन की। मक्खन बगैर दूध के, बगैर दही के आपको मक्खन बनाने की रेसिपी बताऊँगी। बहुत आसान है, घर में बहुत जल्दी बन जाता है मक्खन। तो आपने बाज़ार से मक्खन देखा होगा, अक्सर घर में जाते होंगे, आपको क्या पता वो किस तरह मक्खन बनता है। आज मैं आपको मक्खन बनाने की एक नहायत आसान सी रेसिपी बता रही हूँ। तो आइए मेरे साथ, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आइए आप मेरे साथ। ये मैंने डांडा घी का 1 किलो का पैकेट लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। गर्म बस हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मगर बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, इसको बस गर्म कर लेना है। और इसके अंदर मैं अब घी को जब गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे। इसके अंदर घी को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे और आप ये देखेंगे कि ये फिर सेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, 2 मिनट मैंने बर्फ़ को पड़ा रहने दिया है, अब मैंने इसको हलाना शुरू कर दिया है। इस तरीके से इसको हलाते जाना है तो आप ये देखेंगे इसका मक्खन बनना शुरू हो गया है। इसको हमने 2 मिनट के लिए इस तरीके से हलाना है ताकि ये जो मक्खन है ये देखें मक्खन अच्छी तरह से बन जाए। इसको तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट इसको इस तरीके से बर्फ़ को घुमाते जाना है और ये देखें ये सेट होना शुरू हो गया है। इस टाइम आकर इसके अंदर हम 1/2 ग्लास ठंडे पानी का, ज़्यादा ठंडा पानी जो होता है वो हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 ग्लास, और फिर इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से घुमाते जाएंगे। ये देखें इसको तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट के अंदर कितनी जल्दी मक्खन तैयार हो गया है। मक्खन तैयार हो चुका है। अब मैं इस तरह का कोई बोल ले लूँगी, डिस्पोजिबल बोल, या आपके पास कोई प्लास्टिक का डिब्बा है तो आप वो ले लें, एयर टाइट डिब्बा हो। तो इसको अब हम मक्खन को निकाल के इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखें कि कितना अच्छा बना है। इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से इसका पानी निकालते जाएंगे और इसको इसके अंदर डालते जाएंगे। सारा मक्खन हम इस तरीके से निकाल देंगे। जी व्यूअर्स, मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है, डिब्बे में डाल लिया है। इसको ज़रा इस तरीके से सेट कर लें, 5-6 दफ़ा इस तरह से मारकर इसको सेट कर लें, और इसका कवर इसको देकर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। तो उसके बाद ये देखें आपका मक्खन तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रीज़र में रखा था, मक्खन रेडी हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा मक्खन तैयार हुआ है। इस तरीके से आप मक्खन को बनाएं और मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।